नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ को मिले नए जिलों की सौगात। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का शुभारंभ। नए जिलों को विकास के लिए दिए गए 3-3 करोड़ रुपए। विकास कार्यों को लेकर सीएम का बयान, हमने जनता की मांगों को पूरा किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ वासियों को अब नए जिलों की सौगात मिली है, जिसके तहत अभी कुछ दिन पहले ही नए जिलों की सौगात मिली थी और उसके बाद 31 जिलों तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में हो गए थे, लेकिन अब ये नए जिलों के बाद अब जो संख्या है जिलों की वो बढ़ गई है। बताते चले कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का शुभारंभ किया गया है। नए जिलों को विकास के लिए आपको बताते चले कि 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विकास कार्यों को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि हमने जनता की मांगों को पूरा किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नए जिलों की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। ऐसे में अब विकास की जो गति है उसको कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी और इसी रफ्तार को देने के लिए सीएम भूपेश बघेल की तरफ से नए जिलों की सौगात दी गई। तो दो नए जिलों का लोकार्पण करके सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम ने मीडिया से चर्चा की। सीएम ने बताया कि उन्हें दोनों जिलों की जनता ने भरपूर प्यार दिया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज दो जिले का शुभारंभ हुआ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर और सक्ती जिला। इस प्रकार से कुल 33 जिला अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। बहुत उत्साह है लोगों में, रोड शो में पूरे शहर के लोग, जिले के लोग आए थे। फूल मालाओं से लादा ही, पुष्प वर्षा भी किए। कहीं भी मिठाई से तौल रहे हैं तो कहीं पे फल से तौल रहे हैं, कहीं पे लघु अनुपद से तौल रहे हैं, कहीं सरोपा भेंट कर रहे हैं, कोई मुकुट पहना रहे हैं।